मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। इसे स्मरण रखना। जैसे तन को जल से धुलाना सहज है, वैसे ही मन को निर्मल बनाना कठिन है। जैसे गलतियाँ करना सरल है, किंतु प्रायश्चित करना उतना ही कठिन है। वैसे ही नकारात्मकता में भटकना सरल है, किंतु सकारात्मक विचारों को लेकर चलना कठिन होता है। मेरे प्रिय, यदि जीवन में कोई सही मार्गदर्शक ना हो तो जीवन का जीना अत्यधिक कठिन हो जाता है। जीवन की हर परिस्थितियों से जो सीख तुम्हें मिलती है, वह तुम्हें सदैव ज्ञात रखना चाहिए, क्योंकि सीख ही जीवन का एक सच्चा साथी है, जो तुम्हें संसार के साथ चलना सिखाता है। तुम्हें बुरे और सच्चे इंसान की पहचान करवाता है। परंतु कभी कभी तुम केवल बाहर ही सच्चे अच्छे इंसान की तलाश करने लगते हो। अपने अंदर की अच्छाई को तलाश करना भूल जाते हो। और इससे होता क्या है? तुम्हारी खोज सदैव खोज ही रह जाती है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम अच्छे नहीं हो या तुम बुरे हो, परंतु एक सच्चा व्यक्ति सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों पर ध्यान देता है। अपनी बुराइयों को मिटाकर वह और भी अपने जीवन को सकारात्मकता के भर लेता है। मेरे प्रिय, तुमने बहुत ही परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखा है, परंतु तुम्हारा ध्यान हमेशा अच्छी चीजों पर नहीं होता है, जिस कारण तुम अपने जीवन में बुरे चीजों को भी शामिल कर लेते हो। इसीलिए तुम्हें सदैव यह ध्यान देना चाहिए कि तुम अपने जीवन में सदैव सकारात्मक चीजों को ही उतार सको, ताकि तुम्हारा आने वाला जीवन सकारात्मकता के साथ ही व्यतीत हो और तुम सदैव प्रसन्नचित रहो। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हारे पास यह संदेश आया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने अब तक जीवन में बहुत से संघर्ष देखे हैं। दुख पीड़ा अपने हृदय में अकेले ही चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो, परंतु अब तुम्हें अपना विश्वास ऐसे ही नहीं खोना है। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, किंतु मैंने हमेशा तुमसे कहा है सभी कार्यों का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जब जिस वक्त जो घटना होनी है वह पूर्ण निर्धारित है। मेरे प्रिय, इसे तो त्रिदेव भी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तो है जो तुम्हारी शक्ति में इतनी वृद्धि करता है और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख
मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम्हारे लिए तो दिव्य द्वार पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए यह सब कर रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, आनंद से भर देगा। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए। सफलता तुम्हें अवश्य ही मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। मैं तुम्हें बस कुछ अनुभव करवाना चाहता हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए ही आवश्यक है, क्योंकि यही अनुभव ही तुम्हें सफलता का कारण बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठते हैं, तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरे संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। उन्हें सोचने दो जो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, क्योंकि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता है, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य ही मायने रखता है। मेरे प्रिय, क्या तुम मुझे आज एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 10 लोग आए और वह तुम्हें यह कहे कि हमें आपसे शिक्षा लेनी है, तब तुम उन्हें मना ना करके उन्हें शिक्षा देने का निर्णय लोगे, परंतु उनमें से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी बातों को जल्दी समझ जाएंगे, परंतु कुछ ऐसे भी होंगे जो अत्यधिक प्रयास करने पर समझेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें बार बार तुम्हें समझाना पड़े। ठीक इसी प्रकार तुम भी और सभी पुण्य आत्माएं इस पृथ्वी लोक पर शिक्षा ग्रहण करने ही आए हैं। सभी की क्षमता के अनुसार मैं उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा देता हूँ। मेरे प्रिय, बस यह स्मरण रखना, तुम्हारा गुरु सदैव तुम्हारा भला ही चाहेगा। गुरु सदैव यही चाहते ही हैं कि उनका छात्र सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्रिय छात्र भी हो। मैं तुम्हें कभी भी गिरने कैसे दे सकता हूँ? मैं तो सदैव यही चाहूंगा कि तुम आकाश में विचरण करो और तुम्हारी उड़ान को कोई भी तोड़ ना सके। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। I love you dear and I guide you, I protect you. Type yes if you believe divine blessings. Yes, yes, yes. Thank you so much.